नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं फिर दोबारा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के उपयोग। कौन कौन से यौगिक का कल मैंने बताए थे, एक सबसे पहला बताया एनएसीएल सोडियम क्लोराइड, दूसरा बताया एनएओएच। तो सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जबकि इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए एनएसीएल जब जलीय विलयन के अंदर, एनएसीएल के जब जलीय विलयन के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एनएसीएल के जलीय विलयन में हम क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। तो एनएओएच सीएल टू प्लस एच टू ये प्राप्त होंगे। ये H2 तो होगा कैथोड पर, कहां पर H2 गैस कहां निकलेगी, कैथोड पर, और Cl2 कहां प्राप्त होगी, एनोड पर। जबकि विलयन के अंदर क्या प्राप्त हो जाएगा तुम्हारे को, NaOH प्राप्त हो जाएगा। उठा लो, नोट करो इसको। जब भी NaOH के या एनएसीएल के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस व एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, तथा विलयन में एनएओएच प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब देखो एनएओएच के गुण क्या गुण होते हैं इसके, ठीक है। तब मैंने बताया था एनएओएच को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला गुण है इसका, यह है श्वेत चमकीला ठोस पदार्थ। पहला गुण क्या हो गया, यह श्वेत चमकीला ठोस पदार्थ है। दूसरा, इसका गलनांक पांच सौ इक्यानवे केल्विन होता है। तीसरा, इसका जलीय विलयन 6 प्रकृति का होता है। अर्थात यह एक प्रबल क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार। एनएओएच क्या है कि प्रबल क्षार जो जल में पूर्णतया अनित हो जाता है। चौथा, यह जल में आसानी से विलय हो जाता है, ये छह गुण होंगे इसके एनएओएच के। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या गुण होते हैं, तो पहला गुण है यह श्वेत चमकीला ठोस पदार्थ, दूसरा इसका गलनांक 591 केल्विन, जबकि कल मैंने एनएसीएल बताया था उसका गलनांक था 1081 केल्विन। इसका जलीय विलयन कैसे होता है, कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, अर्थात ये प्रबल क्षार की तरह काम करता है। पहले बताया था हम लोग क्षार के उदाहरण में प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के उदाहरण बताए थे ना, उसमें प्रबल क्षार के रूप में एनएच को बताया था।
अगला, यह जल में आसानी से विलय हो जाता है, पानी के अंदर डाल दें आराम से विलय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके उपयोग, उपयोग में देखो एनिवच के उपयोग, पहला है कागज, वस्त्र, साबुन, अपमार्जक, उद्योगों में साबुन है, अपमार्जक है, वस्त्र है, कागज है, इन सब उद्योग, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, साबुन उद्योग में, अपमार्जक उद्योग में, इन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, यानी इनको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एक ऐसा नाम होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट के धातु क्रम में, मेटलर्जी धातु क्रम को बोलते हैं, धातु क्रम में बॉक्साइट के धातु क्रम, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करने में, बॉक्साइट से क्या प्राप्त करने में, एल्यूमिनियम प्राप्त करने में इसका उपयोग करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अगला पेट्रोल के शुद्धिकरण में, पेट्रोल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग होता है। अगला उपयोग देखो वसा, तेल आदि के निर्माण में, वसा, तेल, फेट, ऑयल, फेट, वसा यानी फेट, ऑयल यानी कि तेल आदि के निर्माण, आदि को बनाने में। अगला तुम लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इतने उपयोग और भी हो सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट उपयोग है, कागज, वस्त्र, साबुन, अपमार्जक, बॉक्साइट के धातु क्रम में, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऐसा का नाम है बॉक्साइट, इससे क्या प्राप्त होता है एल्यूमिनियम, इसके धातु क्रम में इसका उपयोग करेंगे, इसका पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में या पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण या शोधन में, वसा, तेल आदि को बनाने में या उनके निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप रिएक्टेंट के तौर पर इसका हम ले सकते हैं। ये हो गया आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला यौगिक है विरंजक चूर्ण, जो इस साल भी एग्जाम में आए थे, विरंजक चूर्ण, चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है विरंजक चूर्ण। देखो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो एग्जाम में आया था कई बार, CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ये भी आया था, विरंजक चूर्ण का सूत्र एवं रासायनिक नाम लिखो, नाम था इसका Ca का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी, और Cl का मतलब क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यह किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, विरंजक
वी यानी अलग करना, रंजक यानी रंग, रंग को अलग करने में इस पदार्थ का उपयोग करते हैं, रंगों उड़ाने में, रंग को उड़ाने में इसका उपयोग करते हैं, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, बनाने की विधि देखो, CaOH2 इसको बोलते हैं शुष्क भुजावा चूना, भुजा चूना, ठीक है, शुष्क भुजावा चूना में जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो CaOCl2 का निर्माण होता है, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। हेलो, लिख सकते तो मैं, जब शुष्क भुजे हुए चूने में, जब शुष्क भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जब शुष्क भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क भुजे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित कर दी? क्लोरीन, तो क्या प्राप्त हो गया? विरंजक चूर्ण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके गुण देखो, विरंजक चूर्ण के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी कहते हैं गुण, ब्लीचिंग पाउडर यानी गुण, प्रॉपर्टीज यानी कहती है गुण। तो देखो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहला यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला, पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है, तीक्ष्ण गंध वाला पीला, पीले रंग का होता है येलो, पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है। दूसरा यह ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में क्या है? विलय, ठंडे जल में, ठंडे पानी में आप इसको डालोगे विलय हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हवा में खुला छोड़ने पर, हवा में खुला छोड़ने पर यह क्लोरीन गैस बनाता है, छोड़ता है CL2 गैस मुक्त करता है हवा में, यदि इसको तुम खुला छोड़ दोगे तो कौन सी गैस छोड़ दोगे? CaOCl2 कौन सी गैस छोड़ता है? क्लोरीन गैस। अगला यह कौन है? विरंजक चूर्ण, यह अम्ल के साथ क्रिया कर, अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। प्रश्न आ रहा है, विरंजक चूर्ण जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस छोड़ता है, यह कौन सी गैस देता है? तो तुम्हारे को क्या लिखना पड़ेगा? क्लोरीन गैस। विरंजक चूर्ण जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस देता है। देखिए इसकी अभिक्रिया CaOCl2, ये किसका सूत्र हो गया? विरंजक चूर्ण का CaOCl2 हो गया।
एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखना होगा, और जब ये इसके साथ विरंजक करण के साथ क्रिया करेगा तो ये बनेगा सी ए सी एल टू प्लस एच टू बराबर सी एल टू। देखो सी ए ओ सी एल टू ये क्या है, विरंजक चूर्ण, क्या है विरंजक चूर्ण, और ये क्या है अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है, किसके साथ इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल और विरंजक चूर्ण आपस में क्रिया कर रहे हैं, ये लवण है, ये जल है, कौन सी गैस निकल रही है, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड लवण है, ये जल है, और ये कौन सी गैस होगी क्लोरीन गैस, यानी कि विरंजक चूर्ण जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस देता है, इंपॉर्टेंट है लिख लो, ये आया हुआ प्रश्न है, विरंजक चूर्ण की अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस देता है क्लोरीन गैस, ठीक है, यदि इसके जगह दूसरा अम्ल आ जाए जैसे H2SO4 आ गया तो ये बनेगा CaSO4, वही बनेगा ये लवण है प्लस H2 प्लस Cl2, यही विरंजक चूर्ण है, ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल है या हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लवण हो गया जल हो गया क्लोरीन गैस है, ये अभिक्रिया भी करता है, आगा इसका गुण है पांचवें नंबर का है, विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस, विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस जब जल के साथ क्रिया करती है, जब जल के साथ क्रिया करती है, क्या करती है तो नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, नवजात ऑक्सीजन बनाती है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है, यह बनाती है का निर्माण करती है, यह नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है तथा कपड़ों या कागज का विरंजन करता है, विरंजन करता क्लोरीन गैस कहां से मुक्त हो रही है, ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस देता है, किसी भी यदि क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है किसके द्वारा ब्लीचिंग पाउडर से, विरंजक चूर्ण से जब क्लोरीन गैस निकलती है यह क्लोरीन गैस जल के साथ क्रिया करती है, किसका निर्माण करती है क्लोरीन गैस Cl2 ये H2O के साथ क्रिया करेगी और ये निर्माण कर लेंगे 2HCl प्लस यह नवजात ऑक्सीजन, ये क्लोरीन गैस है, ये जल है H2O जल है, ये अम्ल है, और ये क्या बना ये ओ बड़े ब्रैकेट में लिखा मैंने नवजात ऑक्सीजन, क्या है ये नवजात ऑक्सीजन है, यह नवजात ऑक्सीजन क्या कर रहा है, देखो कोई कपड़ा रंगीन है कैसा है रंगीन, तो यह नवजात ऑक्सीजन उससे क्रिया करेगी, उस कपड़े को क्या कर देगी रंगहीन कर देगी, क्या कर देगी रंगहीन, रंग को उड़ा देगी, रंगीन कपड़े को क्या कर देगी
रंगहीन उठाओ के विरंजक चूर्ण किस प्रकार कपड़ों का रंग उड़ाता है या विरंजक चूर्ण के विरंजन की क्रिया को समझाइए। तो तुम लिखोगे विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस जब जल के अणु के साथ क्रिया करती है, जल के अणु के साथ क्रिया करती है तो नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है। यह नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। मैंने पीछे पढ़ाया था ना ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण क्रिया में सहायक करता है। यह नवजात ऑक्सीजन की ऑक्सीकारक की तरह काम करती है तथा कपड़ों या कागज का क्या करते हैं विरंजन, यानी कोई रंग रंगीन कपड़ा है तो ये नवजात ऑक्सीजन रंगहीन कपड़े में बदल देगी। इस प्रकार ये काम करते हैं। चलो अब देखो इसके उपयोग, ये इसके गुण हो गए। अब इसके उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग, पहला उपयोग, पहला है कागज एवं कपड़ों के विरंजन, विरंजन कपड़ों एवं कागज के विरंजन में रंग उड़ाने में, रंग को उड़ाने में, कागज एवं कपड़ों का रंग उड़ाने में किसका उपयोग करते हैं हमें, ब्लीचिंग पाउडर का इंपॉर्टेंट उपयोग है। दूसरा जल के शुद्धिकरण में, जल के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु कोई कीटाणु को पाए जा रहे हैं उनको मारने में, यानी जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में अगला प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में, अभिकर्म के एक इसका उपयोग होता है ऑक्सीकारक के रूप में भी करता है। किस रूप में करते हैं ऑक्सीकारक के, ऑक्सीकारक के ठीक है। ये इसके उपयोग होंगे किसके, विरंजक चूर्ण के उपयोग कागज एवं वस्त्रों के विरंजन में, कागज और वस्त्रों के रंग उड़ाने में। दूसरा जल को शुद्ध करने में, जल के शुद्धिकरण में, प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में, और चौथा हो गया ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में आप जितने भी योगी को उन सबको लिख सकते हो, क्योंकि हर योगी के प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में काम आता है। यह हो गया आपका विरंजक चूर्ण। पहला था सोडियम क्लोराइड, दूसरा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा था विरंजक चूर्ण, अब चौथा है खाने का सोडा, या इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, और इसको क्या बोलते हैं मीठा सोडा। तो लिखो अगला चार नंबर का है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा बोलते हैं, और क्या नाम इसका, खाने का सोडा, और इसका नाम है, एक और नाम है इसका मीठा सोडा, और इसको क्या बोलते हैं मीठा सोडा। बेकिंग सोडा बोल सकते हो, खाने का सोडा बोल सकते हो, मीठा सोडा बोल सकते हो, एक ही सूत्र, इसका सूत्र क्या है NaHCO3, खाने का सोडा का सूत्र क्या है NaHCO3, या बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, कार्बो
ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको बनाने किस प्रकार निर्माण निर्माण कैसे करते हैं, तो देखो एक तो इसको NaCl की सहायता से बनाते हैं। NaCl की सहायता से किस प्रकार बनाते हैं, देखो NaCl प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NH3, ये आगे चेंज हो गया NaH CO3 प्लस NH4Cl, NH4Cl, देखो NH3 एक H गया, चार हो गया ना H4, एक Cl कर गया, क्या बचा Na एक H बच गया यहाँ पर H CO और ये हो NaH CO3, ये तो गया अमोनियम क्लोराइड, इसका क्या नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेकिंग सोडा, बता दो NaCl, जब NaCl CO2 H2O और NH3 ये आपस में क्रिया करेंगे, बता दो मतलब NaCl CO2 H2O NH3 ये आपस में क्रिया करेंगे तो बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा अमोनिया में क्लोराइड, तो एक तो ये होगी इसकी, एक और है इसका बनाने की विधि NaCl के सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ, जल के साथ, तो देखो CO2 प्लस H2 Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट, H2 का मतलब जल, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में क्रिया करेंगे तो बन जाएगा NaHCO3, दो है तो ये हो गया दो Na कार्बन एक, ये देखिए दो गए, ऑक्सीजन की संख्या तीन, तो पांच एक छह, इन्होंने छह, ठीक है। ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, ये एक विधि और है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा भी इसको बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये बन गया क्या बेकिंग सोडा, दो विधि होती इसके द्वारा बना सकते हो, इसके द्वारा भी बना सकते हो। NaCl जब CO2 H2O NH3 के साथ क्रिया करेगा तो ये बन जाएगा, और जब सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्रिया करेंगे तो भी इसका निर्माण हो जाएगा, इसका निर्माण है बेकिंग सोडे का निर्माण, नोट कर लो इसको। आगे है इसके गुण, पहला गुण बेकिंग सोडे का पहला गुण है यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यह क्या है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, कौन बेकिंग सोडा, श्वेत यानी सफेद रंग का, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में और ठोस है सॉलिड। दूसरा इसका गुण है यह जल में हार्डली नहीं मुश्किल से, यह जल में मुश्किल से विलय होता है, मुश्किल से विलय होता है, हार्डली सॉल्युबल, इंग्लिश में जो बोलते हैं हार्डली
इसलिए क्षितिज को इट इज हार्डली सोल्युबल इन वाटर। इसका मतलब यह मुश्किल से हार्डली का मतलब मुश्किल से सोल्युबल होता है, विलय होता है किसके अंदर है पानी में, पानी के अंदर मुश्किल से विलय होता है। अगला अगला इसका गुण हो गया इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन किस होता है क्षारीय, किस होता है क्षारीय होता है एल्केलाइन, इसका जलीय विलयन किस होता है एल्केलाइन का मतलब होता है क्षारीय होता है, क्षारीय का मतलब इसकी पीएच 7 से क्या होगी ज्यादा होगी। आगे चौथा देखो ये काम का है, जब इसे खाने के छोटे को जब इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म किया जाता है तो CO2 गैस निकलने के कारण है बनने वाला खाद्य पदार्थ सॉफ्ट यानी क्या होता है मलायम, सॉफ्ट मलायम स्पंजी का मतलब दबने वाला, स्पंजी एवं पोर युक्त यानी छिद्र युक्त हो जाता है। देखते हो कभी कचौरी समोसे ये बनाते हैं ना तो उसके अंदर मीठा सोडा डालते हैं तो इसे क्या होता है जब इसे खाद्य पदार्थों में कोई भी खाद्य पदार्थों में मिला इसे मिलाकर पकाओगे तो एक इससे कौन सी गैस निकलती है बताओ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो विरंजित चूर्ण में कौन सी गैस निकलती थी क्लोरीन गैस, जबकि खाने की सोडे में कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण जो आप खाद्य पदार्थ बना रहे हो वो किस हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा, एक तो मुलायम हो जाएगा खटोर नहीं होगा थोड़ा है ना, सॉफ्ट हो जाएगा स्पंजी हो जाएगा, स्पंजी का मतलब दबने वाला एवं छिद्र युक्त इन छोटे छोटे इसके क्या हो जाएंगे छिद्र हो जाएंगे है ना, इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडे को क्यों मिलाया जाता है इससे क्या फायदा होता है तो बनने वाले ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये सॉफ्ट स्पंजी एवं पोर युक्त हो जाता है इससे सब ठीक है। अब देखिए अगला इसका गुण हो सकता है जब इसे किसे बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, जब वे बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं हीट देते हैं, क्या करते हैं हीट देते हैं तो देखो NaHCO3 ये चेंज हो जाएगा, ये देखो ये निशान किसका है गर्म करने का, ये गर्म करने का निशान तो ये बदल जाएगा Na2CO3 CO2 H2O में बदल जाएगा ठीक है। तो पहले बिगड़े लिखते हैं उसको इधर वाले इधर लिखते हैं इधर वाले इधर
अब की बात देखो, इसको यानी अपन गर्म कर रहे हैं किसको, खाने की छोटी को गर्म कर रहे हैं। खाने की छोटी को जब गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है। बता दो गर्म करने पर जब इस बेकिंग सोडियम को गर्म किया जाता है तो ये होता है। अब है इसके उपयोग, बेकिंग सोडे के उपयोग। पहला उपयोग तो हो गया खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। तो मैं बेकिंग चूर्ण, बेकिंग चूर्ण के रूप में बेकिंग है चूर्ण के रूप में। दूसरा छोटा बटर शीतल पे आदि बनाने में किसका उपयोग होता है, अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है, आग बुझाने वाला। अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग होता है। अगला ये इंपॉर्टेंट है आपकी बात, प्रति अम्ल के रूप में या फिर पेट की अम्लता दूर करने में। कल मैंने एक बताया था एक पदार्थ का नाम, पेट की अम्लता दूर करने में कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं बताओ, मिल्क ऑफ है मेरी निशिया। तो ये पदार्थ मैंने पेट की अम्लता दूर करता है, तो पेट की अम्लता दूर करने में अर्थात प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। आगे देख, आगे देखिए, प्रति अम्ल के रूप में हो गया। अब दो देखो, दो पदार्थ हो गए प्रति अम्ल के रूप में। ये आया हुआ है प्रश्न, आया हुआ है दो प्रति अम्लों के नाम लिखो, दो प्रति अम्लों के नाम है लिखो। तो एक प्रति अम्ल तो हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा प्रति अम्ल हो गया कौन सा हो गया, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। अगला इसका उपयोग हो सकता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चलो ये हो गया बेकिंग सोडा हो गया, चार तुम्हारे यौगिक हो गए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण और चौथा हो गया बेकिंग सोडा। अब अगला अपना जो यौगिक है जो पदार्थ है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का मतलब होता है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा इसलिए बोलते हैं कि धोने का काम आता है कपड़ों पे धोने में या सफाई करने के काम ये आता है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। देखो इसका सूत्र क्या होता है, वॉशिंग सोडे का सूत्र Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं, लिख दो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 10 अणु
क्रिस्टलीय जल के होते हैं, जल के होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में, सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 10 अणु किसके होते हैं? क्रिस्टलीय जल। देखो ये सोडियम कार्बोनेट का एक अणु है ना, इस सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में कितने अणु जुड़े हुए हैं? 10 अणु जल क्रिस्टलीय जल के, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए, बनाना कैसे, कैसे बनाओगे इसको? एक तो है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण द्वारा, पहला तो है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण द्वारा, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण कैसे? देखो सोडियम कार्बोनेट एनेटल से होता है, इसके अंदर 10 अणु किसके जोड़ दिए? जल के। तो ये बन गया Na2CO3.10H2O। ठीक है। एक अभी एक दूसरी विधि हमने पढ़ी थी सोडियम कार्बोनेट बनाने की, सोडियम कार्बोनेट की NaHCO3 को हमने गर्म किया, क्या किया? गर्म किया, गर्म करने पर टूट रहा था Na2CO3+H2+CO2, ये बना रहा है NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं 373 केल्विन का, और फिर बाद में ये जो Na2CO3 प्राप्त हुआ Na2CO3 इसका क्रिस्टलीकरण द्वारा 10H2O इसको क्रिस्टलीकरण करा दिया और ये बन गया Na2CO3.10H2O। कैसे भी ये दो प्रकार, दो विधि है, एक तो होगी ये विधि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टलीकरण का मतलब इसके जल के अणु जोड़ना, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के अणु को जोड़ना, 10 अणु जोड़ दिए छोड़े, ये बन गया। दूसरा है NaHCO3 को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा Na2CO3+H2O+CO2, और ये जो प्राप्त हुआ इसका क्या कर दिया? क्रिस्टलीकरण कर दिया, और ये बन गया है ना। इससे अब इसको इससे अधिक ताप पर गर्म कर दिए तो क्या बनता है? सोडा एस, क्या बनता है? सोडा एस। लिखो गुण, देखो इसका लिखो, ये बनाने की विधि है। अब है इसके गुण, दोनों के छोटे के गुण, क्या गुण पाए जाते हैं? तो सबसे पहला गुण है यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह जल में मिले हैं, जल में क्या है? मिले हैं। अगला, जब इसे Na2CO3 ताप पर गर्म करते हैं तो
सोडा एस का निर्माण होता है, सोडा एस का निर्माण होता है जब इसे किसे वॉशिंग सोडे को यानी कि धोने के सोडे को 373 के मिन शराब से अधिक ताप नंबर दी। देखो एनेटो चौधरी .10H2O इसको गर्म कर दिया कितना 373 केल्विन ताप से गर्म कर दिया तो ये बन गया Na2CO3 प्लस ये दर्द के अणु बाहर निकल गया और ये जो बना इसको बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलेंगे सोडा एस, ये पठन पे है वो है सोडा एस किसे कहते हैं, सोडा एस किसे कहते हैं तो तुम्हारे को लिखना पड़ेगा जब वॉशिंग सोडे को या धोने के सोडे को 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसके जल के अणु पूरे बाहर निकल जाते हैं और जो पदार्थ शेष रहता है उसको बोलते हैं हम सोडा एस। ठीक है अगला इसका अब देख लो तुम उपयोग देखो उपयोग इसके क्या क्या सफाई करने में देख लो उपयोग सफाई करने में धोने में धुलाई करने में या धोने में और प्रयोगशाला में बीकर के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में आदि हो सकते हैं और भी हो सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सफाई करने में धोने में प्रयोगशाला में विकर्म के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में। ठीक है आज की क्लास में इतना ही।